हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और दोनों मेरे भतीजे तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। और सुबह इतना कोहरा हो रहा था, ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो मैं इनको देखते ही बोली कि भाई तुम इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो और इतने ठंडा मौसम में। तो बोल रहे थे कि बुआ जाना तो पड़ेगा ही, तो ये ज़िद कर रहे थे कि आप मना कर दो बुआ कि हमारे को स्कूल नहीं भेजे, आज यहीं रहेंगे। तो फिर मैं बोली बेटा जाना तो पड़ता ही है। और यहाँ पे देखिए चिड़िया की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है, सुबह सुबह का नज़ारा है ये। सुबह उठते ही एकदम खुला आसमान और बाहर के देखिए हरा भरा पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छा लगा देखने में मेरे को। मैं घूम रही थी और अभी स्कूल के लिए निकल रहे हैं क्योंकि बार बार तैयार होके बैठ रहे थे, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी। चाचा जी आए हुए हैं गाड़ी के और इनकी वैन खड़ी है, तो मैं इनको बिठाऊंगी। और मेरे को ना जो छोटी स्कूल जाती थी ना मैं, तो मेरे चाचा जी लेके जाते थे साथ में, उनके साथ जाते थे, सब साथ में ही जाते थे जब। अरे सारे अपने गांव के हैं कह रहे, तो कहाँ से आयो? ये तीन लड़के, ये बड़ी बड़ी। अच्छा बंद कर लो बेटा। देखिए अभी स्कूल गए हैं मेरे भतीजे 7:30 बजे, अब चाय पी लिए, भाभी और नाना दोनों हो गया, अब नहाएंगे। और ये देखिए मक्के के दाने अलग होते हैं और ये स्वीट कॉर्न वाले दाने हैं, बहुत मीठे दाने होते हैं ये। तो रखे हुए थे तो मम्मी बोली कि कुछ काम में नहीं ले रहे, तो मैं निकाल रही थी कि इनको निकाल के रख लेंगे तो कोई भी काम में ले लेंगे, सब्जी बना लेंगे। और काफ़ी सारे लेके आए थे पापा जी, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। इधर सुबह सुबह नाश्ता लेके आए थे, तो नहा धो के हम सब काम से फ्री थे, तो पापा जी यहाँ पे समोसा के नाश्ता करवा रहे थे हमारे को, भाभी मम्मी सब खा रहे थे हम। और ये लीजिए आप भी समोसा खा लीजिए। तो यहाँ पे गाय भैंस ये सब बांधते हैं तो खुला ही पड़ा है, तो पापा जी बोल रहे थे कि इधर थोड़ा काम चलाएंगे, तो मेरे को दिखा रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो वो देख रहे थे हम। यहाँ पे देखिए हमारा कुआ है, कुआ के पास में फार्म हाउस बना हुआ है कुएं पे मतलब, तो हम यहाँ पे आए हैं, यहीं पे गाय भैंस बांधते हैं, यहीं पे चारा वारा सब उगा रखे हैं और ये मकान बना रखे हैं। और ये पूरा खुला है देखिए, पूरा खेत है बाहर। तो इधर जो बना रखे न्यू फार्म हाउस हमारा, आप भी देख लीजिए अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे सारा चारा वारा सब यहीं उगा रखे हैं गाय भैंस का, तो आप देखना कितना अच्छा लगता है देखने में। और हाँ यहाँ पे देखिए दोनों भाभियाँ हमारे को पूरा टूर कराएगी, पूरा फार्म हाउस अच्छे से दिखाएगी और मौसमियाँ खिलाएगी। बहुत सारी मान नहीं रही कि आज पूरा बगीचे में घूमो खाओ पियो आप। और देखो तो ये देखिए अनार का पेड़ लगा हुआ है और काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी के मौसमी के पेड़ थे, तो ये वाली है ना मीडियम है, एक सबसे छोटी मौसमी होती है। और ये सॉरी संतरा है, और जो मौसमी है ना वो थोड़ी अलग होती है। तो ये इस तरीके से देखिए इतनी छोटी सी है और इतनी बढ़िया लग रही थी देखने में, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें संतरे की। और ये बेल का पेड़ है जो काफ़ी सारे बेल आ रहे थे, जो बेल पत्र होता है मतलब वो ही है पेड़। और ये मेरे को दिखा रहे थे कि मतलब धूप हो रही है देखिए बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं जो बड़ी वाले साइज़ के नींबू आते हैं ना, वो वाले नींबू। और इतना रस था इनके अंदर, इन नींबू में बहुत कम रस निकलता है बड़ी साइज की मैं आज तक जो देखी हूँ, लेकिन इनमें है ना जो इतना रस था अंदर बहुत ज़्यादा, हल्का सी दबाते ही रस निकलता था। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी साइज के नींबू थे, जैसे पतरी वगैरह हो जाती है ना किसी की, तो इसका रस लेते हैं, तो मतलब काफ़ी एक पेड़ के इतने सारे नींबू आ रहे थे। और देखिए गेहूँ बो रखे हैं तो इतनी छोटी साइज के ही, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए। और ये गाय भैंस के लिए चारा बो रखे हैं, तो ये रंजका बोलते हैं, काचनी रंजका हमारी जो भाषा होती है उसमें यही बोलते हैं। ये देखिए चने उग रहे हैं तो अभी बहुत छोटे हैं। ये गोभी है जो गोभी की पौध लगाए हुए हैं, और ये है हरी मेथी
और ये भतवा है इसके अंदर, तो इसके हम कढ़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो फ्रेश एकदम मीठे पानी के सब्जियां काफ़ी सारी। तो यहाँ पे देखिए भाभी जी मेरे लिए तोड़ रहे हैं मेथी, तो काफ़ी बड़ी बड़ी मेथी हो रही थी। तो एक वो दूसरी मेथी आती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, ये वाली बहुत अच्छी लगती है। तो परांठे वगैरह बनाते हैं तो ये वाली मेथी होती है। ये है हरा धनिया, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही थी इसमें धनिए में। तो धनिया भी काफ़ी सारा तोड़े हम, और ये आलू लगा रखे हैं तो थोड़ी कम ही बड़े हुए थे अभी, ये छोटे ही थे। चने भी काफ़ी छोटे थे, बड़े नहीं हुए थे ज़्यादा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको बोए हुए। और ये नींबू का है पेड़, तो अभी नींबू नहीं आ रहे हैं इसके। और ये देखिए मौसमी है काफ़ी सारी, तो मौसमी भी लेकर आए हम। और ये मौसमी है ना खट्टी वाली नहीं है, एकदम मीठी मौसमी है, वैसे भी खा सकते हैं। वैसे मौसमी जूस बनाने में काम में आती है, जूस बना के पी सकते हैं, लेकिन ये बहुत मीठी थी। तो ये सारा सामान हम तोड़ के लाए काफ़ी सारा, और ये सब्जियां तो साफ़ करके भाभी जी और फिर रखेगी मेरे लिए। और यहाँ पे सामने है ना जो, मतलब ये भी काफ़ी सारी मूली वूली ये बो रखे हैं, तो यहाँ से मूली भी लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मूली का पेड़ है, अभी छोटी है ये, दीपावली पे तो बोए थे इनको, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो चीकू के पेड़ लगा रखे थे, तो चीकू तोड़ के ला रही थी भाभी जी, और काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे थे चीकू के भी। और यहाँ पे ट्यूबवेल लगी हुई है, तो ये चालू कर रहे थे, पानी चलाएंगे अभी ताज़ा पानी। मेरे को बोले भाभी जी कि आप यहीं रहो दो तीन दिन आराम से, गाँव मत जाना तो बढ़िया लगेगा हमारे को भी, लेकिन मैं मना कर रही थी कि अभी नहीं, फिर बाद में देखते हैं। गर्म पानी आता है, ठंडा नहीं आता है, ट्यूबवेल का पानी बहुत गर्म आता है। तो यहाँ पे पानी वानी भर के पानी पिला रहे थे हमारे को, और अच्छा भी लगता है ये सब कुछ देखने में। तो मैं बोल रही थी कि मैं ऐसे ही पी लूँगी, और इधर मूली को भी धोना था तो साथ के साथ ही धो के डाल देंगे। पानी बहुत मीठा है, इस तरीके से पीने में बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसे तरीके से खुला आ रही है फार्म हाउस, बहुत अच्छा लगता है। किस किस को पसंद है बताना कमेंट करके। और यहाँ पे है ना जो भाभी जी मेरे साथ काफ़ी सारे सामान रख दिए, चीकू वगैरह जो भी काफ़ी सारे आ रहे थे, और काफ़ी पेड़ पौधे भी लगा रखे थे फल फ्रूट के। और मैं पूछ रही थी भाभी जी से कि इसको क्या बोलते हैं, तो बोल रही थी इसको बगुला बोलते हैं। तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आई। और फिर हम घर पर आ गए, तो यहाँ पर छोटी वाली भाभी देखी, छोटा सी डॉग है, इसको खिला रही है। और भतीजा है जो ये संतरे को चखेगा कि कैसी लगती है, खट्टी लगती है मीठी, तो ये खा रहे हैं बच्चे। और फिर हम खाना खाए दोपहर का, 2 बज गए थे हमारे को, खाना वाना खा के फिर थोड़ा सी रेस्ट करे, और शाम को फिर चूरमा बाटी बना। रिकॉर्ड नहीं कर पाए, एक वीडियो लंबा हो जाता है। शाम को मेरी दादी जी के साथ सो रहे थे हम रात को। तो फिर मिलते हैं आपसे सभी को, जय माता दी।